आते हैं, केस एक होता है हमारे सामने, कहते हैं कि ठीक है। मैंने कहा कि लेकिन मेरा ये साथी जो है रूब्रिक्स कोई और निकालता है, ये साथी रूब्रिक्स कोई और निकालता है, वो साथी माइंड के रूब्रिक्स कोई और निकालता है, हमारी रूब्रिक्स सेम क्यों नहीं होती? बात है ना सोचने वाली। केस वीडियो केस लगा हुआ है, पेशेंट की वही बात मैं सुन रहा हूँ, वही आप सुन रहे हैं, वही ये सुन रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम वही आ गया। कहते हैं जी फिर आप क्या मतलब, आप हमें बताएं क्या करें। मैंने कहा सर हमें ये बताएं कि व्हाट इज द राइट रूब्रिक, हमें पेशेंट के अंदर जो है किस चीज को कंसिडर करना है। अब देखें अगर आप ये कहें कोई औरत आती है आपके पास, वो बड़ी केयरिंग है टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे ये तो केयर की जो है ना वो बन गई है, इसकी वो केयरिंग है, ये है वो है। नहीं, मदर का केयरिंग होना कॉमन, इसके अंदर भी आप अनकॉमन चीज़ें ढूंढेंगे। और मैंने फिर डॉक्टर साहब को कहा उनको, मैंने कहा आपका मेथड नो डाउट बहुत अच्छा मेथड है, ये वो मेथड है जो सेंसेशन मेथड का गेटवे है, ये बना था रास्ता सेंसेशन मेथड का, डॉक्टर साइकिल का बना। लेकिन बात यह है कि जब तक आप सिर्फ माइंड लेंगे तो काम नहीं चलेगा, जब आप सिर्फ फिजिकल्स लेंगे तब काम नहीं चलेगा, जब आप सिर्फ पर्टिकुलर्स लेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैंने एक छोटा सा एक शेर सा बनाया था इंग्लिश में कि वो सम ट्रीट बॉडी सम ट्रीट सोल, बोथ आर इन डिल्यूजन ट्रीट द होल। मतलब ये कि आप जब मेंटल जनरस लेते हैं तो उसके अंदर जब तक फिजिकल जनरस प्लस नहीं करेंगे आपकी दवाई ठीक नहीं है। तो ये मैं काली का जो आपको बताया है कि इसके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, ये सेंसेशन मेथड का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ माइंड की चीजें उठा के पेशेंट की ले लें और फिजिकल जनरस को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों चीजों का फ्यूजन होगा तो दवाई बेहतर निकलेगी। डॉक्टर साहब ठीक है, द स्पिरिट ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर राजन सनकारन की किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि मेरे जो नाकाम हुए थे केस उन पे मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जिन केसेस में सिर्फ मैंने माइंड लिया था मैं उनमें नाकाम हुआ, जिनमें मैंने सिर्फ फिजिकल्स लिए थे मैं उनमें नाकाम हुआ, जिन केसेस के अंदर मैंने फिजिकल्स और मेंटल इकट्ठे लिए थे उनमें मैं कामयाब हुआ। होता यह है कि क्लियर कट सिम्टम्स हमारे सामने होते हैं, हम इग्नोर कर रहे होते हैं, वो जब हम उसमें से कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, इससे ना कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब भी आप काली सिलेक्ट करेंगे ये हो ही नहीं सकता कि काजी काली के फिजिकल जो हैं फिजिकल जनरल्स जो हैं पेशेंट के अंदर मौजूद ना हो। अच्छा भाई मतलब जो आपकी क्लासिकल वे है होम्योपैथी का वो आपकी सॉलिड फुटिंग है, उसके ऊपर आपने खड़े होंगे, आपने अपना जो एंकर बनाना है वो कोई रूब्रिक बनानी है, कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बनाना है, कोई प्रूविंग का सिम्टम बनाना है, उसके ऊपर आपने खड़े होकर बाकी चीज़ों को देखें। मेरी बात को फॉलो करें, अंदर ठंड है ना तो आप ठंडे हो गए। अच्छा तो ये याद रखिए कि काली जो है इसमें वीकनेस का एलिमेंट है तमाम कालीज के अंदर। तो ये अगर आप इसको दूसरे वाले से देखें, सिस्टम के वाले से देखें, तो काली जो है हद दर्जे का फैमिली ओरिएंटेड है, हद दर्जे का फैमिली ओरिएंटेड। इसके अगर बच्चे घर से बाहर चले जाए ना तो ये उनको फोन करके पूछता रहता है कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे, ठीक है, घर से बाहर निकल के देखेगा, ये उस वक्त तक चैन में नहीं आएगा जब तक वो बच्चे घर नहीं आ जाते।
फैमिली मेंबर्स की इसको फिक्र, सिर्फ बच्चों की नहीं होती, बहन भाइयों की भी ऐसी हर दर्जे का फैमिली ओरिएंटेड। तो ये मैंने इसके अंदर जितनी फैमिली ओरिएंटेशन देखी है, दूसरे इसके अंदर जो एलिमेंट है वो डिपेंडेंसी का है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, डिपेंड करते हैं। अच्छा, इनके अंदर इंडिपेंडेंट होने का शऊर बिल्कुल भी नहीं होता। बात फॉलो करें कि नहीं कर रहे, मतलब इनको ये नहीं होता कि अच्छा भाई कमा रहा है ना, भाई खिला रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह बस ठीक है। इसको ये कभी ख्याल नहीं आता कि मैंने भी भाई के, भाई का जो है वो सहारा बना, भाई का मैंने हिस्सा बना। कभी ख्याल इसको ये होता कि भाई है ना बस। और हमारा मुल्क तो पाकिस्तान वो ऐसे ही है। वो मैं एक ड्रामा देखा था, अमानुल्लाह साहब कह रहे थे कि हमारे मुल्क में एक बंदा जो ना काटन का सूट पहन के मुंह में पान डाल के डाल के फिर होता है, तो उसको पूछते हैं भाई क्या करते हो, कहते भाई दुबई होते हैं। ठीक है ना, मतलब खुद कुछ नहीं करना, भाई दुबई होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये काली होता है, काली को ख्याल ही नहीं आता कि मैंने इंडिपेंडेंट भी होना है, मैंने अपने पांव पे खड़ा होना है। वो ये समझता है कि बस मिल रहा है, इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर जानी। फैमिली ओरिएंटेशन और डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा। अभी एक और चीज जो इसके अंदर आपको आई लोड करानी है वो ये कि आप क्या समझते हैं कि जब भी काली का कोई पेशेंट आएगा वो वरीड होगा अबाउट देयर फैमिली, ये समझते हैं? क्या वो टोटल अपोजिट भी हो सकता है? यस, वो अपोजिट भी हो सकता है। ये मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ जो काम की बात है इसके अंदर, वो ये कि ये वो ऐसे भी कह सकता है डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ हम इकट्ठे रहें, डॉक्टर साहब हमारी फैमिली इकट्ठी रहे, मतलब ग्रुप, ये ग्रुप में रहना चाहता है। ये गाली जो होता है हमेशा ग्रुप में रहना चाहता है। अच्छा, अपने हस्बैंड की बात करेगा, अपने बच्चों की फिक्र की बात करेगा, लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट भी बात करेगा। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक खातून आई, तो मैंने कहा कि आपकी टेंशन क्या है, कुछ बातें इसमें रह जाती हैं, मैं कोई बात रैंडम कर देता हूँ उसको नोट कर दिया करें। तो मतलब मैंने कहा आपकी टेंशन क्या है, वो मुझे हंस के कहती है टेंशन तो कुछ, अब नोट करिएगा उस एग्जैक्ट उनकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, कहती टेंशन तो कोई नहीं है, माशाल्लाह मेरा घर बार ठीक है, मेरे बच्चे ताबेदार हैं, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। देखिए क्या बातें करती हैं, फैमिली। और मैंने उस केस में काली ही थी, लेकिन मैंने काली कार दी थी उसको। तो फिर जो है, मतलब जो है, ये कितनी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेशन भी हो सकती है, उसके बारे में खदशात भी हो सकते हैं, उनके बारे में परेशानी भी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट भी ये बात करते हैं अक्सर। ये खवातीन या मतलब जो मेल हैं वो ये बात करते हैं, नहीं कोई मसला नहीं है जी, मेरी बीवी माशाल्लाह बहुत नेक है, मेरे बच्चे बड़े ताबेदार हैं, घर बार ठीक है, गाड़ी है, घर है, और क्या चाहिए। श्याम भाई बात वहीं आ जाती, तो वो भी काली में हम कंसिडर करते हैं। सर क्या इसी तरह वो अपने बच्चों को या घर के स्पाउस को लेके नेगेटिव भी बोलेगा इसी ग्रुप से काली का, मतलब मसलन किस सेंस में नेगेटिव कर, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, या मेरी जो वाइफ है वो ना ख्याल नहीं रखती, या मेरे घर का माहौल इस तरह का है, लाइक नहीं ख्याल किसी और सेंस में चीज़ें चली जाती हैं, मतलब वो वरीड होंगे अबाउट देयर फैमिली। ये तो गिला शिकवा अपनी फैमिली के बारे में करता ही कोई नहीं है, ये तो मोहब्बत करने वाला है, ये तो अपनी जान निछावर करने वाला है। तो ये मतलब काली के अंदर होता है कि उनको कुछ हो ना जाए, ठीक है ना। तो इनको मैंने पूछा, मतलब इस खातून को, तो इसने मुझे कहा कि मैंने कहा कि आप किसी चीज़ से डरती भी हैं, जब मैंने ये सवाल किया केस चक्कर में, तो इस कारी को जैसे कहा हाँ हाँ, तो कोई थोड़ा सा भी हो ना शोर में डर जाती हूँ, जैसे कहती मैं अभी काम कर रही हूँ तो इधर मोबाइल पड़ा हुआ, मोबाइल की जैसे बेल आई तो मैं डर। ये जो अचानक चौंक जाना है ये कार्बन्स में होता है,
ये जो अचानक होता है ना, ये कार्बन में होता है, और कार्बन ऐसी सिचुएशन में बड़ा रिएक्ट करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशंस में ये नॉन रिएक्टिव भी हैं। जैसे वो कहते हैं कि मैं अगर डेड बॉडी देखी हूँ तो मुझे तो बस पता नहीं क्या हो जाता है, ये कार्बन से मतलब इनके ऊपर एक कैटालिप्टिक कंडीशन आ जाती है, इनको कोई समझ थोड़ी देर के लिए कोई समझ नहीं आता क्या हो। तो ये दूसरी मैं बात हूँ, कार्ब की बात हो रही है, फिर काली कार्ब की बात हो रही है। मैं आपको बताऊँ, जब भी आप किसी मरीज को, अब दवा की बात हुई तो मैं चाहता हूँ आपको एक टिप बताता चलूँगा, जब भी आप मरीज को काली कार्ब प्रेस्क्राइब करने लगे तो तीन चीज़ें उसके अंदर मस्ट होनी चाहिए। इसको एलन भी लिखता है, इसको बोरिक भी लिखता है, इसको डॉक्टर राजन संकारन कहते हैं कि मैं बतौर कन्फर्मेटरी सिम्टम इस्तेमाल करता हूँ। नंबर वन, बैकेक, स्वेट, प्रोस्ट्रेशन, ये ट्रियो होगा, तीन चीज़ों का ट्रियो उस पेशेंट के अंदर मौजूद है। तो अगर उसके अंदर ये ट्रियो मौजूद नहीं है तो मैं आपको कहता हूँ, जो मेरा छोटा सा एक नाकस सा एक्सपीरियंस है, फिर नाकामी है। मसला उसको कुछ भी है, बैकेक, स्वेट, प्रोस्ट्रेशन, आप बोरिक को जाके देख लें उठा के पहली तीन चार लाइनें उसकी, और आप एलन को उठा के देख लें तो एलन ने अटैलिक लिखा हुआ, जी स्वेट, पसीना, पसीना ज़्यादा आता है इनको, और प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, ये तीन चीज़ें मिलेंगी, मतलब काली कार के साथ, मतलब काली कार को आप कंफर्म करने के लिए सिम्टम है फिजिकल लेवल। जी थकावट, नकाहत, नकाहत, बात समझ आएगी आपको। तो ये काली की एक पिक्चर है, मेरा ख्याल है कि अभी आपके जहन में रहनी चाहिए। अगर मैं कहूँ आपको, केस भी गुजरा आपको पकड़ा है जी, मैं केस भी गुजरा है, वो केस गुजरा काली आर्ट्स का। अच्छा, ये हाँ काली आर्ट्स का केस, वो पक्की बहन है, तो हाँ वो मैं आपसे डिस्कस किया था, हाँ बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा केस था। और अगर काली आपको ये कह दे, काली आपको ये कह दे कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये है, वो कब ठीक होंगे, तो आप कौन सी काली लेंगे? इनसिक्योरिटी है इसके साथ, सिक्योरिटी के साथ स्पाउस, सिक्योरिटी के साथ हेल्थ या स्पाउस, वो उनके मियाँ की हेल्थ की बात कर रहा हूँ। दो चीज़ें, एक तो काली आस भी और काली फास, दूसरी जो मतलब का काली आस जो है, वही बात का आर्सेनिक में एंजाइटी अबाउट हेल्थ बहुत है, वो हेल्थ जो है उसकी किसकी है, हस्बैंड की है, काली तो पहले ही है वो, ठीक है ना, तो इसमें हम इसको केयरिंग नहीं लेंगे डॉक्टर साहब, इसी में रखेंगे इसको। तो जब आप इन चीज़ों को सुनना शुरू कर देंगे ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है। सर हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि इनको कुछ ना हो जाए, मैं भी शर्मा हैं, ये ठीक हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ, या ये बच्चे हैं, मैं मर जाऊँ, नहीं ऐसी कोई नहीं है। मैं तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा था कि ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें, काली से निकलने से पहले पहले हम काली को डाइजेस्ट कर लें। कि देखें
ये तो एक रुख है ना काली का जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसके साथ कुछ भी मिल सकता है, इसके साथ पास मिल सकती है, इसके साथ आर्स मिल सकती है, कोई एलिमेंट मिल सकता है। मेरा बेटा बीमार है, उसकी काली आर्स होगी। मुझे नहीं पता, वो इस फीलिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए ज्यादा फिक्रमंद है। मैं भी इंप्रेशन कहते हैं कि मेरा बेटा बीमार है, वो पोलियो है या उसका मसला है। हाँ, लेकिन वो दवाई मैं फिर